अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है भाई। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुझे पता है कि हमारी जो पिछले दिनों कंसिस्टेंसी एक बनी हुई थी वो टूट चुकी थी बीच में। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा छुट्टियों पर था। जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते उनको पता चल गया होगा। जरा मैं लगाता रहा था तो उसके बीच मुझे फुर्सत नहीं मिली व्लॉग करने की। मेरा अंदर का ज़मीर मुझे रोक रहा था व्लॉग करने से, तो मैं रुक गया। एक होता है ना एग्जीक्यूटिव, आपके थॉट्स होते हैं वो सारा सीन था। तो अब मैं फारिग हो गया, तो अब मुझे फुर्सत मिली वापस ब्लॉग करने की। तो अब मैं वापस कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी जो है उसको वापस हम बरकरार रखें। तो अब बात करें सीधा आज के टॉपिक की, तो आपको थंबनेल टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, कि हमारी रीबर्ट का नया स्टीयरिंग डी शेप कार्बन फाइबर, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टीयरिंग का। आप लोगों ने देखा होगा हर काफ़ी गाड़ियों में आजकल बन चुका है, रीबर्ट में भी बन चुका है। हमने ये सोचा बनवाने का क्योंकि इंटीरियर के साथ मैचिंग हो जाएगी, जो कि हम करने की कोशिश करें कार्बन फाइबर के साथ, वो करना है। लेकिन उससे पहले हमारे पास आज के दिन कुछ छोटे मोटे काम है, जैसे कि हमने इसकी कोशिश का एक बार दोबारा पता करने जाना है, और तो और इसके हमने टेंट देखने हैं। सादे टेंट नहीं, स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, क्योंकि सादे टेंट का आपको पता है क्या मसला चल रहा है आजकल। गर्मी भी इतनी हो गई है, धूप आपको पड़ती है, टेंट आप क्यों लगाओगे? एक तो आपकी गाड़ी की लुक इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर आपको कोई आपकी प्राइवेसी का होता है, और जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो गर्मी का किस हद तक पहुँच चुकी है। तो शेड्स आपके जो ये शेड्स एक तरह के हो गए, तो धूप को रोकते हैं आपकी गाड़ी के अंदर आने से, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी कम हीट अंदर प्रोवाइड करेगी आपको। तो इसलिए लोग काफ़ी टेंट कराते हैं, वो पता करने। फिर हम सीधा बात करेंगे स्टीयरिंग वाले भाई से कि हमने स्टीयरिंग ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ आपको पता है इतनी चीज़ें ये यहाँ नहीं होती बनने के लिए दिया हुआ। उससे हम बात करेंगे कितना रह गया कितना नहीं। ऑर्डर दिए हुए हमें हफ्ता हो गया तकरीबन, बनने को होगा। उससे पूछेंगे कितना रह गया, तो सीधा भेज देगा बना के। और अभी बिना किसी देरी के चलते हैं, पहले इसकी कोशिश पता कर लेते, फिर टेंट्स और जो छोटी मोटी चीज़ें और वो भी पता कर लेते, और ऑफ कैमरा में आपको काम बताते चलो हमने रीबर के क्या कराए हैं। तो इसके हमने अंदर डोरसेस लगाई हैं, नीचे सिविक लोगो लिखा आता है, और इसके नंबर प्लेट हमने बनवा ली है, वो बनवा ली है, और भी कुछ छोटे मोटे बल्ब वगैरह थे वो हमने लगाए हैं। तो अभी चलते हैं सीधा अपने जो काम है वो पहले खड़काते हैं, फिर बाद में स्टीयरिंग की तरफ आते हैं। तो भाई अभी का सीन ये है, हमने भाई पोशिश वाले से रेट ले लिए हैं, काम हमारा हो जाएगा कुछ दो तीन दिन में, उसको हम अगले ब्लॉग में देखेंगे। और अभी क्या सीन है, हम लोग अभी टेंट वाले भाई के पास आ गए हैं, टेंट का हमारा काम शुरू हो गया, स्पेक्ट्रम टेंट करा रहे हैं अगला हम 25%, और अच्छा वाला टेंट है एकदम ओरिजिनल, ये नहीं कॉपी नहीं, एकदम ओरिजिनल टेंट है। साइड हमारे ऑलरेडी स्पेक्ट्रम हुए थे, तो इनको इतनी नीड नहीं थी, जो हमारे फ्रेंड थे बस उसको नीड थी, क्योंकि उसका भी आगे थोड़ा मसला होता है हमें प्राइवेसी वगैरह का, धूप वगैरह का, और अच्छा भी लगता है गाड़ी ब्लैक है तो उसकी लुक में भी आपका इजाफा हो जाएगा। तो अभी ये काम होता है, उसके बाद सीधा बात करेंगे अपने स्टीयरिंग की, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। भाई अभी थोड़ा चेंज ऑफ प्लान एकदम ही हो गया, हम लोग अपने साइड वाले शीशे भी टेंट करा रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि अभी इस पर लाइट वाले लगे हुए थे और 15% स्पेक्ट्रम ही लगे थे, लेकिन 15% थे, उनको उतार के हम 25% लगा रहे हैं स्पेक्ट्रम ही, जो कि गुड हो जाएंगे और जिससे हमारी गाड़ी की लुक और इंक्रीज़ हो जाएगी। सबसे नीचे वाला
0301 भाई। तो भाई हमारी गाड़ी का जो नया स्टेयरिंग था रिबट का कार्बन फाइबर डी शेप स्टेयरिंग वो आ चुका है हमारे घर के अंदर एंट्री मार चुका है। तो ड्राइवर साहब ने उठा लिया था, अब जाके सीधा उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और फिर लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देखी होगी, स्टेयरिंग जो है हमारा एकदम ओके आया है। हमें थोड़ा उस पर डाउट हो रहा था कि इसका जो कार्बन फाइबर है वो शायद हमारे इंटीरियर के साथ मैच ना करे, लेकिन हमारा डाउट तो वो भी क्लियर हो गया। स्टेयरिंग आते सारी इसका जो कार्बन फाइबर है वो हमारे एग्जैक्ट इंटीरियर के साथ जो मैच हो रहा है, जो हमारा इंटीरियर में कार्बन फाइबर हुआ हुआ है। ठीक है, ये वही चीज़ है जो हमारे इंटीरियर में पूरा देख लो जैसे कि हमारा इंटीरियर में हुआ है। अभी स्टेयरिंग आपको दिखाऊँ सूरत हाल, तो भाई बहुत ही भारी और वाइड स्टेयरिंग है। गाड़ी में लगा के इसको चेक करते हैं। तो भाई ये है हमारा रिबट का जेन स्टेयरिंग जो आपको कंपनी से मिलता है। इसमें कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, ये भी हमने खुद ही इंस्टॉल किया हुआ है। और ये आ गया आप लोगों का आफ्टर मार्केट स्टेयरिंग जो आपको बनवाना पड़ता है। ये हमने ऑर्डर पे बनवाया, बना बनाए नहीं लिया, तो बहुत ही मज़े की लुक आएगी। चीज हमारी बिल्कुल ओके आई है, अब इसको थोड़ी देर में लगा के फिट करते हैं और इसकी लुक देखते हैं कैसे निकलती है। मुझे तो लग रहा है काफ़ी वाइड और इंटीरियर की बहुत बड़ी है कि ये चीज़ है जो आपके इंटीरियर में बहुत मायने रखती है चीज़ भी। तो इसको भी अभी लगा के चेक करते हैं कैसी लगती है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। भाई हमारी गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने गाड़ी में स्टेयरिंग अपने इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको गाड़ी की फाइनल लुक दिखाएं। तो भाई अभी गाड़ी की लुक कुछ इस तरह की लग रही है। स्टेयरिंग जो है माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ दे रहा है, इसकी ग्रिप भी बड़ी मज़े की हो गई है, इसको चलाने में भी मज़ा आएगा। और अब इसके थोड़ी इसको ड्राइव पे लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमारा काम कैसा लग रहा है। Thank you.
तो भाई गाड़ी की ड्राइव आप लोगों ने देख ली होगी, जिस गाड़ी की जो चलाने में मजा आ रहा है, इतनी स्मूथ, आ हा हा, चस आ गई, पैसे पूरे करा रही है भाई ये चीज, इस चीज इतने मजाक तक करा रही है कि बस क्या बताए बंदा इसको, बस क्या बंदा चलाता रहे। बड़े मजे की हो गई गाड़ी के इंटीरियर में भी, काफी मजे के इसके लोगों को, एग्रेसिव लोग दे रहा है इंटीरियर, एक वाइड हो गई है गाड़ी अंदर से। अभी तो ये छोटा मोटा काम है, अभी इसका हमने नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश का भी देखना है, वो कराएंगे। और इसी के साथ सब व्लॉग को करते हैं एंड, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लेना, वहाँ मैं छोटी मोटी अपडेट्स भी अपनी देता रहता हूँ, फॉलो ज़रूर कर लेना, आईडी मेरी यहाँ आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। गाड़ी बंद कर दें, पेट्रोल पम्प साढ़े पे होता नहीं है।